साबका केंद्रीय राज मंत्री विजय सांपला ने प्रेस वार्ता विच अज आदमपुर तो जयपुर की उड़ाना बारे जानकारी दी। सांपला ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय च दुआबे विच व्यापार ते सैर सपाटे नूं वाधा मिलेगा। कल तो फ्लाइट है जी जयपुर या दिल्ली वगैरह ले आदमपुर तो शुरू हो रही है या नहीं सर? इस तरह है कि भी क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनलों के उत्ते कुछ ऐसी आ रही थी कि भी 31 तारीख तो तक फ्लाइट कैंसल ने। एक्चुअली वो बॉम्बे का एयरपोर्ट जोड़ा आ 31 मई तक उन्होंने हाले तक उतो फ्लाइटा शुरू नहीं कीतियाँ। इस करके बहुत सारे नू इदा भुलेखा भी पिया, पर जिहड़ा आदमपुर तो दिल्ली का फ्लाइट आनी और जानी कल अपने शेड्यूल के मुताबिक वो आएगी, पर उसकी थोड़ी जी टाइमिंग उन्हों थोड़ा चेंज किया है कि कल जड़ी दिल्ली तो फ्लाइट आएगी वो 12:10 ते इत्थे पहुँचेगी और 12:40 ते वो इत्थों वापस दिल्ली जाएगी, और कल जड़ी है वो जयपुर की फ्लाइट नहीं जा रही। और परसों हाले तक के शेड्यूल के मुताबिक परसों की फ्लाइट जड़ी है वो जयपुर जाएगी, पर हालातों को देखते हुए वो अगे पिछे भी किया जा सकता या कुछ निर्णय देते हो भी सकते हैं, पर हाले तक के जो प्रोग्राम के मुताबिक 26 तरीक न जयपुर की फ्लाइट जड़ी है वो चलेगी, पर 25 तरीक न जी फ्लाइट जी क्योंकि वो एकदम जरा अनाउंस किया तो बहुत सारे को क्योंकि वह लोड बुकिंग ना करा पाना भी हो सकता और कुछ लोगों की शंका जी शंका की दृष्टि ने बाहर आन जान भी नहीं है। इस करके उन्होंने हाले तक जोड़ा जो निर्णय किया है वो यही है कि भी 25 तरीक न दिल्ली की फ्लाइट चलेगी, 26 तरीक तो जोड़ा है वो जयपुर भी चलेगी। जयपुर का सर टाइमिंग की होगी फ्लाइट तो जयपुर के टाइमिंग तो जोड़े मैं दस दिता वो हाले तक के मुताबिक तो उ 7 उतों चलना है और वापसी जी इतों उ 12:30 जानी है 2 उत्तर पहुँचनी है, पर ये बिटवीन वो जरा दिल्ली की फ्लाइट जानी और आनी उ हाले तक का शेड्यूल टाइम तो उ है, पर अगे पिछे समय रवे दे फ्लाइटा घंटा 2 अगे पिछे करते रेंदे भी है इसका पता नहीं, पर हाले तक के मुताबिक जो शेड्यूल टाइम जरा वो एज इट इज़ है। सर एक ऐप की कोई गल कर रहे हाँ इस दे विच एक चीज़ है कि जिन्हें भी पसेंजर जाएंगे पसेंजर नूं बैठन तो पहला मास्क और सैनिटाइज उन्होंने करन दा उहदा सारा इंतजाम जरा एयरलाइन करेगी, पर पसेंजर जरा सफ़र कर रहा उसनों एक चीज़ का ख्याल रखना पेगा कि वो मोबाइल च आरोग्य सेतु जड़ी है वो ऐप डाउनलोड होनी बहुत जरूरी है और एक्टिव होनी चाहिए। उहदा फायदा भी ये है कि अगर तुसी किसे दे नाल सफ़र करते हो अगर तुहाडे नाल क्योंकि वो जिहड़ा GSP वगैरह जिहड़ा सारा चलता रहिंदा इंटरनेट चलता रहिंदा और इंफ्रारेड वगैरह चलता रहिंदा और इहदे नाल जे कोई तुहाडे नाल दा मोबाइल वाला भी अगर कोई ग्रस्त होंदा है तो वो तुहानू इंटीमेट भी करता है कि तुसी अपना चैकअप दुबारा कराओ या करो और उन्हों द्वारा पेशेंट नू लभना भी सौखा रहिंदा है। और ये जी असी कहांगे कि लोगों की सहूलत वास्ते है और सारियां नू ये आम रूटीन च भी आरोग्य सेतु जी ऐप डाउनलोड करनी चाहिए है, पर जिहड़ा भी सफ़र करेगा किसी भी एयरलाइन च करेगा उन्हों आरोग्य जी सेतु वो डाउनलोड करनी वो जरूरी हो। और ये एक होर चीज़ दस दें कि ये कोई बोर्डिंग पास इशू नहीं किए जा रहे जो एयरलाइन वगैरह ने बाकी गल की क्योंकि इन वाइब सीटिंग वो वैब के उत्ते ही उन्होंने दसया जाएगा और बैगेज भी जोड़े समय रेंदे उत्थे आएंगे तो वेट करके ऑनलाइन वो टैग हो जाएगा, अदरवाइज उन्होंने कोई कूपन देना या कागज देना वो नाल पेपर वर्क नहीं होएगा। सर लेबर डे दस दें कि जो जयपुर की फ्लाइट शुरू हुई सी उदे नाल नाल ही बॉम्बे वास्ते भी सानू अप्रूवल मिल चुकी थी, पर उदे च क्योंकि एयरपोर्ट से तुम सारे जानते हो कि वेटिंग हॉल बहुत छोटा है तो बॉम्बे नूं एयरपोर्ट जो जहाज जाना है वो थोड़ा वड्डा होना है, इस करके
स्ट्रक्चर छोटा होने करके वो नहीं हाले तक चला सके, पर तुसी देख रहे हो कि नवा एयरपोर्ट की बिल्डिंग बड़ी स्पीड नाल काम चल रहा है और जिदा ही वह कंप्लीट होएगा तो बॉम्बे की फ्लाइट भी शुरू होएगी और वो सानू होर आले दुआले जानी होर दूसरे शहरों के वास्ते भी कनैक्टिविटी मिलने की पूरी आस है। सर जिस तरह गोवा हजूर साहब की संगत जाती है उसके भी कोई प्रयास होगा कि देखो ये प्रयास कित फुल स्टाप लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि एक फ्लाइट शुरू हो गई दो हो गई चलो इस जिदा जिदा यदि डिमांड बढ़ेगी व्यापारियों को फायदा भी होएगा, व्यापारियों का कस्टमर भी आएगा और वो नाल नाल लोगों की डिमांड जिस तरह बढ़ेगी एयरलाइन अपना इंट्रस्ट शो करेंगे, सो उस इंट्रस्ट नू जिहड़ा लोगों के साडे हल्कियां दे सारे निवासी जिहड़े इस पक्षों मैं देखिया कि बड़ा उन्होंने इंट्रस्ट शो किया क्योंकि वो सारे जानते कि साडे हल्के की तरक्की अगर होनी है तो वो बहुत वड्डा अहम रोल जिहड़ा आ वो एयरपोर्ट का और एयरपोर्ट की तरक्की का रहना आ। सो असी भी चाहांगे देश का हर नागरिक साढ़े हल्के का हुशियारपुर जलंधर असी कहांगे कि दुआबे का दुआबा की तो सानू क्योंकि हिमाचल तो भी बहुत सारे लोग आते हैं माझे के भी बहुत सारे आते हैं और उन्होंने भी यदा कित लाहा मिलता है तो वह भी जड़ा मिलेगा तो उन्होंने भी व्यापारिक दृष्टि में फायदा मिलेगा। इस करके असी सारे चाहांगे कि होर स्टेटा भी होर शहरां दी नाल भी कनैक्टिविटी यदि बधे। देखो इस तरह है कि यदा शुरुआत असी कीती सी 1 मई 2018 में, तो 1 मई 2018 में शुरू करन दा जिहड़ा सी उहदा कारण भी सी कि लॉजिक सीगा कि उस दिन लेबर डे सीगा और प्रधानमंत्री जी ने कहा सी कि मैं हवाई चप्पल पहनण वालियां नूं हवाई सफ़र करन दा जिहड़ा आ उहनां कोल होवे वो भी अफोर्ड कर सकन ते सस्तियां फ्लाइटां जिहड़ी आ कि हवाई चप्पल पहन वाला हवाई सफ़र करे उस दृष्टि नाल लेबर डे दे उत्ते ही शुरू कीता सी क्योंकि इत्थों बहुत सारी जिहड़ी लेबर भी आ वो दिल्ली दे लई कनैक्टिविटी तुसीं देखदे काफ़ी आ और सस्ती टिकट होण करके इस फ्लाइट नूं बड़ी कामयाबी भी मिली है और इहदी शुरुआत भी लेबर डे दे उत्ते करन दा जिहड़ा लॉजिक भी है। देखो क्रैडिट जिसने लेना लगे मैं कोई लेना देना नहीं, मेरा काम सेवा करने के लिए है, मैं सेवा ही अपना कर्तव्य जिहड़ा मेरा उन्होंने निभाना मेरी ड्यूटी है वह मैं निभावगा। क्रैडिट तुसी सारे दे दियो ये सारे कह देने कि असी कुछ किया नहीं किया, महज असी इसलिए काम करिए कि मैनू कोई कहे कि भी तू किया इसलिए आप काम हाले तक किया ही नहीं तो इस अगर देखा जाए तो मैं तो अपने सारे कार्यकाल कित नींह पत्थर का भी जोड़ा है संकोच ही किया कि जिते बहुत ज़्यादा जरूरी होया तो होना ही है उत्थे ही होया होगा, मैं तो कभी नींह पत्थर रखने के भी कोई बहुत ज़्यादा अपना इंट्रस्ट नहीं शो किया क्योंकि असी क्रैडिट वार दे लई काम करना नहीं चाहते, असी सेवा भावना काम करना चाहते सी और जिन्ना मेरे को होया मैं उन्ना मैनू जिन्ना जनता ने मैनू मौका दिता पार्टी ने जिन्ना मौका दिता मैं उसनू अपने कर्तव्य नू सेवा भावना किया। क्रैडिट सारिया नू जांदा है और सारे लैण मैनू इहदी खुशी है। गुरदीप सिंह की रिपोर्ट दा टीवी NRI।